था जो आज तक वेदांता के इतिहास में नहीं हुआ था। 15 लाख का मुआवजा इससे पहले कभी ना मिला था और ना ही किसी को नियोजन मिला था। जयराम जी, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक दल के लोग ये सेल प्लांट से लाभ ले रहे हैं, उनके लोग हैं, क्या कुछ साक्ष्य है ऐसा कि आप? बिल्कुल, हम लोग के पास साक्ष्य है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्री के साथ और मीडिया बंदों के सामने इस बात को हम लोग रखेंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग किसी के नियोजन के विरोधी नहीं, अगर वे अपनी योग्यता अर्हता को पूरी करते हुए अगर नियोजन में आते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज सियारजोरी क्षेत्र में जो प्रभावित गांव है, जो विस्थापित गांव है, उसके नौजवान आज धरने पर बैठ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चंदन क्यारी में भी अधिकारियों और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच वार्ता हुई, इसमें ग्रामीणों की उपस्थिति रही। लेकिन हमारा यही सवाल है कि जमीन हमने दिया है, स्थानीय हम लोग हैं, बेरोजगारी से हम लोग तंग हैं, विस्थापित हमें, प्रभावित हमें, और यदि किसी बाहुबल और जो लोग सत्ता में है, संवैधानिक पदों पर होकर संवैधानिक तौर पर अपने रिलेटिव्स को अगर कंपनी में कार्यरत रखते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए हमारा आंदोलन अभी चलेगा। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि आज तो चूंकि आकस्मिक घटना थी, आज तो हमें तो लड़ना ही था, लेकिन आज की घटना के बाद भी हमारा आंदोलन कंपनी में चलेगा। और विगत कुछ महीनों से हम लोग एक नई रणनीति के साथ चल रहे हैं जिसको लेकर आने वाले पिछले सप्ताह भी एक कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा, तो हमारी मांग को लेकर चली रही। मांग यही है कि भाई जो स्थानीय है पहले उनको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए, उनकी जो योग्यताएं हैं, जिनकी जमीनें ली गई हैं, जिन्होंने जमीन दान दिया है, अपना भूदान दिया है, सबसे पहले आप प्राथमिकता उनको दें, उसके